Dear students, assalamu alaikum. Hope you all are fine in your home and taking care of your health. Dear learners, today our topic is the thirsty crow. आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, शॉर्ट स्टोरी पार्ट नंबर 3 है हमारे पास. हमने शॉर्ट स्टोरी 2 पहले पढ़ी पिछली 2 वीडियो में. आज ये तीसरी शॉर्ट स्टोरी है हमारे पास. तो आज की जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है ये है दी थ्रस्टी क्रो. तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट उठा लें और अपनी कॉपीज पर ये लिख लें. साथ साथ आप कॉपी भी मेंटेन करते चलें ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो और ये कॉपी जो है आपकी मदद कर सकें. ठीक है. तो द थ्रस्टी क्रो. इट वॉज समर द डे वेयर हॉट. समर जब होता है, गर्मियों का महीना जब होता है तो दिन जो होते हैं वो बहुत गर्म हो जाते हैं. समर के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है. दी क्रो वाज थर्स्टी. एक कौवा बहुत प्यासा हो गया. ही फ्लू अबाउट इन सर्च ऑफ वाटर. वो उड़ रहा था और पानी की तलाश में वो क्या कर रहा था, घूम रहा था. इट केम टू ए गार्डन. जब वो उड़ रहा था पानी की तलाश में तो वो एक बाग में पहुंचा. इट सा ए जग देयर. उसने वहां एक जग देखा. देयर वाज ए लिटिल वाटर इन इट. जब वो गार्डन में गया उसने वहां एक जग देखा और उस जग में पानी बहुत कम था. देयर वाज ए लिटिल वाटर इन इट. उसमें पानी, जग में पानी बहुत कम था. दी क्रो कुड नॉट ड्रिंक इट. क्योंकि जग में पानी बहुत कम था इसलिए वो वहां नहीं पहुंच सका जग में और उसने वो पानी नहीं पी सका. इट हिट अपॉन ए प्लान. तो अचानक उसके जहन में एक प्लान आ गया, ख्याल आ गया. इट कलेक्टेड स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन. या यहाँ पे हम फीबल्स का इस्तेमाल भी कर सकते थे. तो उसने छोटे छोटे पत्थर उठाए, जमा किए और उठाए. इट पुट देम वन बाय वन इनटू जग. वो एक एक छोटे छोटे पत्थर, वो किंक्रिया उठाता था छोटे छोटे पत्थर और लाके वन बाय वन एक एक करके वो उस जग में डालता था. दी वाटर रोज. जब पत्थर वो डालता गया तो पानी ऊपर चढ़ता गया. पत्थर नीचे बैठते गए जग में और पानी ऊपर चढ़ता गया. दी क्रो ड्रिंक इट एंड फ्री अवे. तो उस कौवे ने क्या किया, वो पानी जब जग से ऊपर चढ़ गया तो उसने वो पानी पिया और वो उड़ गया, चला गया. इसका मॉरल है बच्चों, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे. ठीक है ना. जहां चा वहां राह, जहां चा वहां राह. तो ये हमें, ये कहानी हमें बताती है कि जब इंसान को जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो अल्लाह ताला खुद ही उसके दिमाग में एक ख्याल डाल देता है कि वो उस तरीके से चलता है ताकि वो उसको उसमें कामयाबी हो जाती है. जैसे इस कौवे के दिमाग में एक प्लान अल्लाह पाक ने डाल दिया कि उसने सोचा कि मैं ये छोटे छोटे पत्थर उठाऊं और इस जग में डाल दूं. इसमें मतलब अक्ल का इस्तेमाल करना है, जहन का इस्तेमाल करना है. तो उसने उठाकर वो उस जग में डाल दिए. जब पत्थर नीचे जग में जाते गए तो पानी ऊपर चढ़ता गया और कौवे ने क्या किया, वो पानी पी कर चला गया. ठीक है ना. इससे हमें क्या सबक मिलता है, यही सबक मिलता है कि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और अकल का इस्तेमाल करना चाहिए जब भी हमारे पास कोई ऐसी उलझन पड़ी हो. तो बच्चों ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी थ्रस्टी क्रो के बारे में. तो कल इंशाल्लाह हम फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.